ओम नमः शिवाय। आज मैं शाहरुख खान जी की कुंडली लेके आया हूँ। इनका जन्म 2 नवंबर 1965 को हुआ। सिंह लग्न की जन्म कुंडली है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य तुला राशि पे पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। पराक्रम से इनका व्यक्तित्व बन रहा है। शनि की दृष्टि पड़ रही है सूर्य के घर में। तो इनमें देखिए क्या है कि यहाँ पे जो सूर्य बैठे हैं पराक्रम से इनका जो है व्यक्तित्व बन रहा है और शनि की दृष्टि पड़ रही सूर्य के घर में। तो अब हम बात करते हैं इनके धन भाव के। तो धन भाव में देखिए कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुध चतुर सुख सुविधा भूमि वाहन मकान में बैठे हुए। अब हम पराक्रम भाव की बात करते हैं। पराक्रम भाव में देखिए सूर्य बैठे हुए नीच के हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और देखिए यहाँ पे तुला राशि पे शनि उच्च के होते हैं और सूर्य जो है नीच के होते हैं। तो शनि उच्च के हैं तो देखिए शनि जो है यहाँ स्वक्षेत्री बैठी हुई है। तो यहाँ शनि का स्वक्षेत्री बैठना सूर्य का नीच भंग राजयोग हो गया। तो यहाँ पे सूर्य का नीच भंग राज हो गया तो पराक्रम का काफी अच्छा हो गया। साथ साथ देखेंगे इसमें गुरु की दृष्टि पड़ रही है सूर्य में तो भी इनको पराक्रम काफी अच्छा कर रही है। अब हम चतुर्थ भाव की बात करते हैं जो कि सुख सुविधा भूमि वाहन मकान का है। मंगल केतु बुध बैठे हुए, मंगल स्वक्षेत्री बैठे हुए काफी अच्छा प्रभाव करेंगे, केतु उच्च कहे काफी अच्छा करेंगे, बुध बैठे हुए और राहु की दृष्टि पड़ रही तो और शनि की यहाँ पे देखिए दसवीं दृष्टि पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि है। तो इस कारण इनका चतुर्थ भाव जो है सुख सुविधा भूमि वाहन मकान का काफी अच्छा है। अब हम इनके विद्या भाव की बात करते हैं जहाँ की धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी गुरु लाभ भाव में बैठ के अपनी सातवीं दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं। तो जहाँ अपने घर को देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गुरु अपने घर में को देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि शुक्र है और गुरु अपने घर को देख रहे हैं तो यहाँ विद्या भाव इनका काफी अच्छा हो जा रहा है क्योंकि गुरु अपने घर और शुक्र बैठे हुए तो और तो इनका विद्या भाव काफी अच्छा हो जा रहा है और शुक्र बैठे हुए हैं और गुरु जहाँ दृष्टि डालते उसे अच्छा करता है, गुरु अपने घर में दृष्टि डालने तो अच्छा हो जा रहा है। अब हम बात करते हैं इनके रोग ऋण शत्रुओं की। चंद्रमा बैठे हुए और इसके जो स्वामी हैं वो शनि व्यवसाय व्यवसाय से कंपटीशन भी फेस कर रहे हैं। चंद्रमा बैठे हैं तो यहाँ देखिए चंद्रमा की दृष्टि अपने घर, चंद्रमा द्वितीय भाव के सॉरी बारहवें भाव के भी स्वामी है। तो यहाँ पे देखिए बारहवें छठवें भाव के स्वामी विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो चंद्रमा विपरीत राजयोग भी बन रहा है और इसमें देखिए राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है तो वो भी जो है शनि घर में अच्छा प्रभाव करेगी। अब हम बात करते हैं इनके व्यवसाय भाव की। तो व्यवसाय भाव में देखिए शनि बैठे हैं, शनि अपने घर में बैठे तो व्यवसाय काफी अच्छा करेंगे। साथ साथ की मंगल की दृष्टि पड़ी शनि घर में और शनि की दृष्टि पड़ी मंगल के घर में तो ये भी काफी है। साथ साथ देखेंगे कि जो है इसमें गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है तो गुरु की भी दृष्टि पड़ी मंगल की भी दृष्टि, शनि बैठे हुए तो व्यवसाय भाव काफी अच्छा हो जा रहा है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव शोध का, एनालिसिस का, आयु का, मृत्यु का है। तो यहाँ पे देखिए मीन राशि, मीन राशि के स्वामी गुरु लाभ भाव में बैठे हैं तो ये रिसर्च एनालिसिस से इनको लाभ भी प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं इनके भाग्य भाव की। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है भाग्य में तो अच्छा करेगी, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही तो भाग्य के लिए अच्छा करेगी और इस कारण इनका जो है भाग्य काफी अच्छा हो। और हम कर्म भाव की बात करते हैं तो कर्म भाव में देखिए यहाँ पे तुला राशि सॉरी वृषभ राशि है, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र विद्या भाव में बैठ गए। तो यहाँ पे देखिए जो है विद्या से इनका कर्म अच्छा होगा, मतलब शुक्र बैठे शुक्र के क्षेत्र से इनका जो है मतलब कर्मी शुक्र हो गए तो इसलिए फिल्म क्षेत्र में आए क्योंकि यहाँ देखिए कर्मेश शुक्र है और राहु बैठे हैं उच्च के तो इनको काफी अच्छा जो है जो है काम मतलब फिल्म सेक्टर में एक्टिंग करने में काफ़ी अच्छा राहु मदद कर रहे हैं। साथ साथ मंगल केतु और बुध की दृष्टि पड़ रही वो भी अच्छा कर रही है, मंगल केतु और बुध की दृष्टि भी काफ़ी अच्छा कर रही है। अब हम बात करते हैं इनके जो है लाभ भाव की। जहाँ पे देखिए लाभ भाव में जो है यहाँ पे मिथुन राशि है, मिथुन राशि बुध यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठे हुए, चतुर्थ से जो है सुख सुविधा भूमि वाहन मकान के कारण यहाँ पे जो है इनका इनका जो है सुख सुविधा भूमि वाहन मकान ही कारण यहाँ पे इनका लाभ भी हो रहा है। और यहाँ पे देखिए गुरु बैठी हुई तो गुरु भी लाभ कर रहे हैं, शुक्र की दृष्टि पड़ रही तो वो भी लाभ करा रही है और यहाँ मंगल की दृष्टि पड़ जाएगी तो मंगल भी लाभ करा रही है तो इस कारण इनका लाभ भाव काफ़ी अच्छा हो रहा है। अब हम वैभाव की बात करते हैं। वैभाव के स्वामी चंद्र यहाँ कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा यहाँ बैठ गए तो यहाँ पे रोग ऋण शत्रु उसके कारण वह भी इनका जो कंपटीशन के कारण वह भी करना पड़ेगा और
इसमें देखिए केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो केतु की दृष्टि भी इनको जो है चंद्रमा घर में अच्छा प्रभाव करेगी, तो यहाँ खर्च भी अच्छा होगा और जो है विदेश यात्रा भी होगी। तो इनकी उंगली में क्या क्या खास योग है मैं एक बार फिर बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए क्या है इनकी उंगली में, सबसे पहले लग्नेश का नीच भंग राजयोग होना शनि के द्वारा, तो ये बहुत काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो इनका पराक्रम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी ये पावरफुल होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए सूर्य का जो है नीच भंग राजयोग बन रहा है और शनि अपने ही घर में बैठे हैं, राहु उच्च के हैं, केतु उच्च के हैं, और यहाँ पे देखिए मंगल अपने ही घर में बैठे हुए तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और गुरु की अपने घर में दृष्टि पड़ रही थी ये भी काफ़ी अच्छा, और चंद्रमा देखिए विपरीत राजयोग बना रहा है तो ये भी काफ़ी अच्छा, और कर्मेश जो है वो शुक्र का होना, तो यहाँ पर देखिएगा लगभग सभी ग्रह जो है अच्छा प्रभाव कर रहे हैं, इसलिए ये कुंडली काफ़ी अच्छी होती है। तो ये तो कुंडली के जो है 12 भाव में ग्रहों के प्रभाव को, 9 ग्रहों के प्रभाव के बारे में बात हुई। अब देखिए क्या है कि इनकी जो वर्तमान स्थिति है 16 नवंबर 2020 से 25 दिसंबर 2021 तक शनि में मंगल चलेंगे, शनि में मंगल की अंतर्दशा चलेगी, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा क्योंकि शनि में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। लेकिन उसके बाद 25 दिसंबर 2021 से 1 नवंबर 2024 तक ये शनि में राहु आएंगे, तो शनि में जब राहु आएंगे तो राहु इनको अच्छा करेंगे, ये फिल्म क्षेत्र में काफ़ी अच्छा जो है और राजनीति में भी आ सकते हैं, तो ये इनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। और उसके बाद जो है 12 मई 2027 तक शनि में गुरु चलेंगे, उसके बाद जो है शनि में गुरु चल रहे हैं तो गुरु लाभ भाव बैठे, तो इसके बाद जो है बुद्ध की महादशा आएगी, तो बुद्ध की महादशा देखिए यहाँ बैठी हुई है, तो ये तो इनका जो है समय में महादशा और अंतरदशा आती रहेगी, तो जब जब महादशा अंतरदशा और गोचर में जो है ग्रहों की पोजिशन आएगी तब तक वो फल इनको मिलेगा। तो ये थी शाहरुख खान जी की कुंडली, धन्यवाद।